फाइनली गाइज, आज मैं पता नहीं कितने दिनों के बाद कैमरा फेस कर रहा हूँ। कल मुझे डिस्चार्ज मिल गया था। मैं दो दिन से ट्राई कर रहा था कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी होश नहीं थी यार। कल का जो मेरा ब्लॉग है वो भी मैंने खुद एडिट नहीं किया, फ्रेंड से एडिट करवाया था, वो भी पता नहीं कैसा होगा, वो तो देखा भी नहीं मैंने अभी तक। तो गाइज, ऐसा सीन आप लोगों को तो पता ही होगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। पहले ये देख लो, ये अभी बैंडेड हुई हुई है, मेरा ऑपरेशन हुआ हुआ है, ठीक है। कॉलर बोन जो होती है ना हमारी, ये वाली मेरी कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गई थी, और गाइज फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, मतलब चार जगह से मेरी कॉलर बोन टूट चुकी है। गाइज अभी तो मेरे पास एक्सरे वगैरह अवेलेबल नहीं है, नहीं तो एक्सरे में तो आपको सामने दिख जाता भाई, चार जगह से मेरी बोन टूटी हुई है। एक्सीडेंट का इतना गंदा इंपैक्ट हुआ था ना मेरी बोन पे, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। अभी तो एक्सरे अवेलेबल नहीं है मेरे पास, पर कल की वीडियो में मैं एक्सरे वगैरह आपको सब कुछ दिखा दूंगा, और भी बहुत चीज़ें दिखानी है मैंने कल की वीडियो में आपको, अभी मेरे पास नहीं है। अभी तो गाइज बाइक का भी अता पता नहीं है, कोई बाइक भी वहाँ पे ही है रामबन में जहाँ पे हमारा क्रैश हुआ था। तो गाइज जितना मुझे याद है, जितना मुझे पता है, मतलब जितना मेरे को, मतलब जितनी मेरी मेमोरी मुझे बताती है उतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या हुआ था। तो गाइज जब हम श्रीनगर से जम्मू वापस आ रहे थे ना, जितना मुझे याद है मेरी बाइक किसी चीज़ से उछली थी हवा में, मतलब वो बम्प था क्या था कोई पता नहीं है, एंड मेरी स्पीड भी अच्छी खासी थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगा यार, झूठ क्या बोलना है, स्पीड मेरी 110 तक होगी, 100 to 110 मेरी स्पीड थी। तो क्या हुआ कि बाइक मेरी उछली जब, तो मुझे बस वो याद है कि बाइक उछली थी किसी तरीके से, एंड मैं डायरेक्ट जो लैंड हुआ ना सरफेस पे, मैं इस पोर्शन पे लैंड हुआ, मतलब मेरी ये जगह नीचे टच हुई, मेरी हेलमेट का ये वाला साइड एंड ये जो मेरा है ना कॉलर बोन, ये नीचे टच हुई। तो मैं जैसे ही गिरा ना, तो मेरे ब्लैंक हो गया बिल्कुल, मेरे को कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद मेरे को होश आई, मेरी ये हड्डी ना पूरी हिल रही थी, मतलब मैं इसको पकड़ रहा था ना, तो ये ऐसे लग रहा था मेरे हाथ में आ गई हुई है। अगर आपने कल का व्लॉग नहीं ना देखा तो पहले जाके कल का व्लॉग देख लो, ठीक है। और आज भी मैं क्लिप डाल दूंगा, यहाँ पे आपको सामने पता चलेगा कि बोन जो है ना वो ऊपर को आ गई हुई है, सामने बोन दिख रही थी। क्या हुआ? टूट गया यार। नहीं हुआ, नहीं टूटा, थोड़ा हाथ हिल रहा, हाथ हिल रहा, हाथ हिल रहा तेरा, यहाँ से ये टूट गया बाबा, कुछ नहीं टूटा, कुछ नहीं टूटा, बैठ नीचे बैठ, कुछ नहीं हुआ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, आराम से बैठ, नीचे बैठ, अली नीचे बैठ, नीचे बैठ, उतार शर्ट, इसको इसको धक्का दे, इसको धक्का दे, इधर से पीछे पुश कर, किसको हड्डी टूट गई है ये वाली। और मैं जब हाथ लगा रहा था ना उसको, बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर गया था यार। आप खुद ही सोचो, मतलब आपकी बोन पूरी हिलने लगे, मेरे को तो लग रहा था भाई रिब्स वगैरह फ्रैक्चर हो गई, सारा पूरा सिस्टम खराब हो गया, शोल्डर भी फ्रैक्चर हो गया। पर मैं जब इसको हाथ लगा रहा था ना, ये पूरा पीछे तक हिल रही थी, इतना ज्यादा इंपैक्ट हुआ था मुझे, और मुझे तब कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था, डर गया था, मतलब बहुत ज्यादा डर गया था मैं। बाइक का मेरे को कोई पता नहीं, मेरा फोन पूरा टूट गया हुआ है, फोन गोप्रो वगैरह सब कुछ टूट गया हुआ है, बाइक टोटल लॉस है, बाइक को तो देखा ही नहीं अभी तक मैंने। अभी मेरी इतनी बुरी हालत है, मैं एंटीबायोटिक्स पे हूँ, इंजेक्शन चल रहे हैं मुझे, पूरी मतलब पूरी बाजू इंजेक्शन से भरी हुई है, मतलब मेडिकेट वगैरह लगाई हुई थी, यहाँ पे निशान भी है मेडिकेट का। तो बहुत बुरी हालत हुई है यार, इतनी बुरी हालत हुई, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ऊपर से फिर गाइस जब ऑपरेशन हुआ ना, उसके बाद जो मेरी पेन है ना वो ट्रिपल हो गई, मतलब जो मुझे पहले पेन थी ना ऑपरेशन से, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा थी वो भी, एज कम्पेयर टू जो ऑपरेशन के बाद पेन मुझे हुई ना, वो तो यार बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं थी। मेरे को हर 6 घंटे के अंदर पेन किलर लग रहा था, फिर भी मुझे पेन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। 6 to 8 hours के अंदर मुझे पेन किलर लग रहा था, एंटीबायोटिक्स लग रही थी, दो तीन एंटीबायोटिक्स लग रही थी, फिर भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर कल उन लोगों ने मुझे डिस्चार्ज किया, और मैं जब घर आया ना, मैंने सोचा मैं ब्लॉग एडिट करूंगा, मैं फिर थोड़ा स्टेबल हो गया था। पर फिर मुझे रात को फीवर चढ़ गया, एंड फीवर से मेरी बॉडी ना बिल्कुल ही टूटने लगी, इतनी ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई मेरे को, शिवरिंग वगैरह सब स्टार्ट हो गई, तो मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पाया। फिर मैंने फ्रेंड को बुलाया, मैंने कहा मेरा ब्लॉग एडिट कर दे, एंड वो भी मैंने अभी तक देखा नहीं है क्या एडिट हुआ है क्या एडिट नहीं हुआ है, तो ऐसा सीन है कुछ। बाकी गाइज अगर मैं अभी जिंदा हूं ना, तो मैं एक ही चीज़ की वजह से जिंदा हूं, वो है मेरे राइडिंग गियर्स। अगर मैंने राइडिंग गियर्स नहीं पहने होते भाई, मेरी बहुत बुरी हालत होती। मैंने अपने राइडिंग गियर्स की जब हालत देखी ना, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा ये क्या हुआ है। मैं अभी आपको राइडिंग गियर्स की हालत दिखाता हूँ, सामने क्या, तो भी मैं आपको ग्लव्स वगैरह की हालत दिखाता हूँ, क्या हालत है, आप लोग परेशान हो जाओगे देख के। सो गाइज ये है मेरे राइडिंग ग्लव्स, पास से देख लो, ये देखो इनकी हालत, मतलब पूरी तरह, मेरी तो मूवमेंट नहीं हो रही, इधर दिखाई, पूरी तरह फट चुके हैं,
ये देखो देखो राइडिंग ग्लव्स की हालत देखो, सोचो अगर मैंने ये नहीं लगाए होते मेरी क्या हालत होनी थी। इनकी हालत देखो, ये देखो राइडिंग ग्लव्स की हालत देख रहे हो, ये देखो ये गियर्स की हालत है मेरे, देखो। एंड गाइज अभी मुझे पता है कि मैं वीडियो कैसे शूट कर रहा हूँ, अभी भी मुझे 102 फीवर है, आप लोगों को पता है इतनी बुरी हालत है ना मेरी, पर मुझे आप लोगों को अपडेट करना था। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया यार, ऐसे सपोर्ट करते रहो, इतना प्यार दिखाओ। इंस्टा पे भी मैं देख रहा था, इतने सारे कमेंट्स आए थे, जो व्लॉग था उस पे भी मेरे को बता रहे थे फ्रेंड्स के बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हो आप लोग। तो गाइज ऐसे ही प्यार करते रहो। अभी देखो एक्सीडेंट हो गया, उसको कोई टाल नहीं सकता, जो चीज़ हो गई उसका मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ यार। देखो रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसमें बाइक रखी और वो गिरा ना हो आज तक, आपको पता हमारा काम ही यही है। तो मैं रिग्रेट नहीं करता यार, रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी यार ये जो गियर्स है ना, इनकी वजह से बचा हूँ मैं। अगर राइडिंग गियर्स नहीं होते ना, फिर तो मैं क्या बोलूँ मेरी क्या हालत हुई होती। अभी पेंट दिखाओ, स्वेटिंग हो रही है अभी भी मुझे, राइडिंग पेंट दिखाओ। ये देखो गाइस पेंट की हालत देखो, पूरी फट गई है पेंट, इतनी खतरनाक है आरी से ना कटे। एक्सीडेंट का इम्पैक्ट देखो आप गियर्स पे, और सोचो, और गाइस सोचो अगर इसकी जगह मेरे हाथ होते, मैंने राइडिंग गियर्स नहीं पहने होते। इम्पोर्टेंस देखो आप राइडिंग गियर्स की भाई, मैं तभी नहीं उतारता हूँ। अगर सोचो ये मेरा हाथ होता इसकी जगह, हाथ का बचा ही नहीं होता कुछ, मेरे को एक सिंगल स्क्रैच नहीं है बॉडी पे। आप लोगों को पता है जहाँ पे मैंने गियर्स पहने, ये तो मेरी बोन फ्रैक्चर होगी वो अलग चीज़ है, मेरी बॉडी पे एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है। ये चेक करो, कहीं पे आपको एक स्क्रैच नहीं दिखेगा, मतलब वो तो बोन फ्रैक्चर होगी वो अलग चीज़ है, बिकॉज डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है। अगर मेरी ये बोन फ्रैक्चर नहीं ना हुई होती, मुझे कुछ होना ही नहीं था। एंड गाइस जो भी लोग बाइक देखते हैं वो बोलते हैं ये बंदा बचा कैसे है, ठीक है। अभी तो मैं कल आपको एक्सरेज वगैरह दिखाऊंगा, कल हमारी बाइक भी आ जाएगी, कल हमारी बाइक पहुंच जाएगी तो मैं आपको बाइक भी दिखाने की कोशिश करूंगा। बस मुझे फीवर नहीं होना चाहिए, मेरा फीवर कंट्रोल हो जाए। फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा, बार बार फीवर चढ़ जा रहा है, मैं बहुत एंटीबायोटिक्स ले रहा हूँ, बहुत पेन किलर्स ले रहा हूँ। बाकी मैं आपको राइडिंग जैकेट भी दिखाता हूँ, राइडिंग जैकेट की भी हालत देख लो यार। ये राइडिंग जैकेट, इसकी हालत देखो, पास से दिखाना यार, आ रही है स्पीड देखो गाइस। अगर ये चीज़ें नहीं लगी होती ना, तो मैं बोल रहा हूँ बुरी हालत हो गई होती, तभी मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि राइडिंग गियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जगह भी मेरी स्किन होती, जहाँ पे इनको लगी है ना, इसकी जगह मेरी स्किन को लगी होती। बाकी मैं आपको वाउंड दिखा देता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, खोल के तो नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है टांके लगाए हुए हैं, स्टिच किया हुआ पूरा, 9 स्क्रूज लगे हैं। कल का वीडियो ज़रूर देखना, कल के वीडियो में मैं आपको एक्सरे दिखाऊंगा, आप लोग पागल हो जाओगे देख के, आप बोलोगे क्या चीज़ है, इतनी जगह से बोन टूटी हुई है। तो मैं अभी पास से दिखाता हूँ, मैं शाम को बोलता हूँ, वो पास से दिखाता है कितनी स्वेलिंग वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। बाकी कल हमारी बाइक भी आ जाएगी, ठीक है, तो मैं आपको बाइक की भी कंडीशन दिखाऊंगा, बाइक को भी इंश्योरेंस पे लगाएंगे। बाइक की तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, बाइक टोटल लॉस हो गई है, ख़त्म हो गई हुई है पूरी। गाइस हेलमेट की हालत भी देख लो, हेलमेट ले आ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि राइडिंग गियर्स कितना बचाते हैं, ठीक है। गाइस ये रही हमारी राइडिंग हेलमेट, ये देखो, ये मेरा ये वाला पोर्शन लगा हुआ है नीचे, ये वाला पोर्शन जो होता है ना, मतलब फेस का भी ये वाला पोर्शन नीचे लगा हुआ है, ये देखो। हेलमेट टूटी नहीं, हेलमेट भी बहुत खतरनाक है, A1 क्वालिटी की हेलमेट है, तो हेलमेट ने भी बहुत ज़्यादा बचाव किया। अगर गियर्स नहीं ना लगे होते फिर तो क्या ही बोलूँ मैं। अभी फ़ोन अभी मेरे पास नहीं है, फ़ोन भी आपको कल दिखाऊंगा, फ़ोन की तो मैं क्या बोलूँ, 14 प्रो मैक्स टोटल लॉस हो चुका है, टोटल लॉस हो गया हुआ है वो। तो ये GoPro की हालत है, GoPro थोड़ा बहुत बच गया हुआ है, क्लिप्स वगैरह डिलीट हो गई है। जब मेरा क्रैश हुआ ना, तब मेरा GoPro ऑन था, पर जब वो गिरा ना तो पता नहीं कैसे वो क्लिप डिलीट हो गई, तो फिर मुझे भी पता चलता कि हुआ क्या, मैं अभी देखता कि सीन क्या हुआ है, अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि हुआ क्या, मैं ब्लैंक हो गया था, बिल्कुल अंधेरा आ गया था, हमको क्या गया, बस इतना पता चला था कि बाइक कुछ करके उछली है, बाकी आगे क्या हुआ कोई पता नहीं है। तो अभी ये दिखाता है हम आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिचेज है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बिकॉज आपको पता है यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है, इंजरी वगैरह हम नहीं दिखा सकते। पीछे से अगर दिखता है आप स्वेलिंग देखो, पास से दिखाना, यहाँ से स्वेलिंग अगर आप लोगों को दिख रही होगी, ये जगह बिल्कुल मतलब सेंसेशन ही नहीं फील होती है इधर, कुछ फील नहीं होता यहाँ पे मुझे। ये जगह दिखा, स्वेलिंग देखो, यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ ना, मुझे फील नहीं होता है, इतनी ज़्यादा पेन है। तो ये देख लो आप अच्छे से। एंड गाइस एक और इंसिडेंट है जिसके बारे में मैं आपको बताना ही भूल गया। गाइस जहाँ पे मेरा क्रैश हुआ ना, ठीक है, तो मेरा सारा सामान बिखर गया। आपको पता है मेरा फोन होल्डर पे लगा हुआ था सामने, ठीक है, वो तो पूरी तरह टूट गया। तो गाइस मेरे को आर्मी का शेड होता है ना, जो छोटा सा शेड होता है, वहां पे लेके गए, ठीक है। तो मेरी बोन वगैरह पकड़ी हुई थी, मेरी आर्म पकड़ी हुई थी। तो गाइस मुझे कुछ होश नहीं थी उस टाइम के, मेरा वॉलेट कहाँ पे है, मेरा फोन कहाँ पे है। तो वहां पे उन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, तो सीधा मुझे रामबन हॉस्पिटल ले गए, ठीक है।
तो रामबन हॉस्पिटल में जब मैं वहां पे गया, वहां पे मुझे फर्स्ट एड वगैरह दिया, उन्होंने उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको जम्मू रेफर करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे मुझे खुद भी कुछ करवाना नहीं था, वहां पे वैसी फैसिलिटीज वगैरह नहीं है। तो गाइस जब मैं जम्मू रेफर हो रहा था ना, तो मैंने वहां पे अपना फोन मंगवाया, ठीक है, मेरा फोन वहां पे रह गया हुआ था, जहां पे एक्सीडेंट वाला स्पॉट था ना, मेरा फोन वहां पे पड़ा था। तो मैंने सैम को भेजा, वहां से फोन लेके आया, तो गाइस मैंने क्या देखा कि किसी ने मेरी सिम निकाल दी हुई है। मतलब मेरा जो फोन था वो तो पूरी तरह टूट गया था ना, पर किसी ने मेरी सिम निकाल ली हुई थी। अब आपको पता है मेरी जो सिम है उस पर मेरा सारा डाटा है, मतलब सारा यूट्यूब वगैरह सब कुछ उसी पे है। अगर कोई बंदा भी आपकी सिम ले जाएगा, आराम से आपका इंस्टा वगैरह हैक कर सकता है, आपका यूट्यूब हैक कर सकता है। तो यार मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, एक तो इतनी ज्यादा दर्द हो रही थी मुझे, पता नहीं यार लोग क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे माइंड सेट है लोगों के, इतने क्रूअल माइंड सेट रखते हैं। एक बंदा मर रहा है इतनी दर्द से, उसकी आप सिम निकाल रहे हो। तो गाइस फिर मैंने डायरेक्ट फोन किया, ठीक है, मैंने सिम बंद करवाई, उसी टाइम मैंने 5 मिनट के अंदर सिम ब्लॉक करवा दी, बिकॉज मुझे पता था डुप्लीकेट सिम बाद में निकल जाएगी। तो यार मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि लोगों का माइंड सेट कैसा है। आप देख रहे हो हेल्प करने भी बहुत ज्यादा लोग आते हैं, वहां पे लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प की, जो रामबन के लोग थे ना उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, पर यार जो ऐसे लोग हैं ना, मतलब जो सिम वगैरह निकाल रहे हैं उस टाइम पे बंदे को लगी हुई है, मतलब क्या माइंडसेट है यार तुम लोगों का, मुझे ये नहीं समझ आ रही है। फिर मैं देख रहा था वीडियोस, मतलब मैं एम्बुलेंस में था, मेरा एक्सीडेंट हुए 30 मिनट नहीं हुए थे, तो मेरे को वीडियोस दिखना स्टार्ट हो गई यूट्यूब पे वो दिखा रहे कि RIP लिखो, RIP, उनको पता है कि मैं ठीक हूँ, फिर भी जानबूझ के ऐसी वीडियोस बनाना व्यूज के लिए। देखो यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, व्यूज लूटो, मैं किसी को स्ट्राइक वगैरह नहीं मारता, पर यार घर वालों का सीन होता है, घर वाले भी वीडियो देखते हैं, वो ऐसी वीडियो देखेंगे तो फिर क्या इंप्रेशन पड़ेगा यार, आप खुद ही सोचो ना। बाकी गाइस उस चीज का ही मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा यार, कि क्या बोलूं मैं, बाकी अभी आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। अभी मुझे कोई पता नहीं है मैं बाइक कब चला पाऊंगा, ठीक है, अभी तो बहुत ज्यादा पेन है, ये हाथ हिलता नहीं है, मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आगे का क्या प्रोसीजर होने वाला है, अभी तो मुझे खुद नहीं पता है, क्या पता आगे क्या होगा यार, कोई पता नहीं है मुझे। सीधी जो बात है, ये प्लेट्स निकालनी हुई है, टाइटेनियम प्लेट्स डाली हुई है, ठीक है, कल एक्सरे भी दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें सामने दिख जाएगा आप लोगों को कि क्या सीन है, कहाँ से हड्डी टूटी है, कहाँ पे ठीक की है। कल की वीडियो जरूर देखना, कल की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो गाइस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज यार सपोर्ट करना, ठीक है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है क्रिएटर को, जब उसको डाउनफॉल आता है ना तभी ज्यादा सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करना। बाकी गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मेरे पास थोड़े मोटो व्लॉग्स पड़े हैं कश्मीर के, वापस आने का भी थोड़ा सा व्लॉग पड़ा हुआ है मेरे पास, तो वो आप लोग देखना जाके, ठीक है, सपोर्ट करना यार। अब तो बाकी बाइक पता नहीं कब चला पाऊंगा मैं, कुछ पता नहीं है मुझे। तो चलो गाइस कल की वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से, कल की वीडियो में आपको ब्रीफ दिखाऊंगा, एक्सरे वगैरह, एंड शायद कल हमारी बाइक भी आ जाए तो कल आपको बाइक भी देखने को मिल जाएगी। तो चलो यार मिलता हूँ, तो सपोर्ट करो।